और बहुत सारा काम जानती हैं। और फैशन इंडस्ट्री की चूँकि मैं बात कर रही थी, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस इंडस्ट्री में इतनी बहुत सारी डायमेंशंस हैं और काम के इतने मौके हैं, तो एक काम उसमें फैशन रिपोर्टिंग करना भी है, फैशन जर्नलिज्म भी है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म है, उसके अंदर लाइफस्टाइल के हवाले से जो लोग रिपोर्ट करते हैं उसकी एक पूरी की पूरी एक जॉनरा ही सेपरेट है। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जो मेरी दोस्त मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उनका नाम है बुराक शबीर, और आप जो हैं वो पिछले बहुत सारे अरसे से काम कर रही हैं लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम बुराक। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। और बुराक, आप ये बताएं कि कराची कैसा है? कराची अच्छा है, बिकॉज मौसम अब बेहतर हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो हम तो पूरा साल इंतजार करते हैं इस वक्त का। अच्छा, वैसे ना यूजुअली ये हाई टाइम होता है सारे फैशन ट्रेंड्स जो अगले साल के आने होते हैं उसका भी जिक्र हो रहा होता है, इस साल के फैशन ट्रेंड्स भी कहीं सिमट रहे होते हैं, और शादियों का सीजन भी होता है, तो जिस जिससे जो जो फैशन करना होता है उसका पीक ये टाइम समझा जाता है। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली, और आई थिंक शादियों के सीजन के साथ साथ मौसम चेंज होने की वजह से विंटर फैशन भी पीक पर होता है, बिकॉज स्पेशली कराची में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली कराची में बहुत कम वक्त ये ठंड रहती है, तो सारा फैशन हम इन्हीं 2 महीनों में कर लेते हैं। अच्छा, अब तो ठंड जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से हर जगह ही कुछ सिमट सी गई है, और कुछ वक्त ही के लिए हम इस्लामाबाद में भी आती है, लेकिन हम इस्लामाबाद वाले जरा थोड़ा सा आप लोगों से 15 दिन ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। अच्छा बुराक, मुझे ये बताइए, चूंकि कराची जो है वो हब है फैशन का, की वाइब्स जो हैं पाकिस्तान में वो वहाँ से निकलती हैं। इंडस्ट्री, जब मैं फैशन इंडस्ट्री कहती हूँ तो उसमें शायद कराची जो है वो सेंटर है, कैपिटल, फैशन कैपिटल आप समझ लें पाकिस्तान का। तो फैशन ट्रेंड्स जो है कैसे, कहाँ से, कौन लोग शुरू करते हैं? तो बेसिकली अगर टू बी ऑनेस्ट, फैशन ट्रेंड्स देयर इज नो स्पेसिफिक एक कोई सोर्स नहीं है जहाँ से आप कहें कि अच्छा यहाँ से इमर्ज होने के बाद लोग जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना मैंने देखा है अपने स्पेशली अपनी रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म में, सो ये जो हमारे डिजाइनर्स हैं उनके जो फैशन शोज होते हैं इंडिपेंडेंट या फैशन वीक्स होते हैं, उनमें अक्सर ऐसी डिजाइन, ऐसे अटायर्स, ऐसे आउटफिट्स हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे आम लोगों को लगता है कि इट्स नॉट फॉर देम। सो नॉट, मतलब वो एक सर्टेन नीश ऑडियंस होती है उनको जो टारगेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल एंड यू नो द व्हाट दे रिप्रेजेंट अराउंड देम। सो मुझे लगता है कि पॉपुलर कल्चर बहुत ज्यादा फैशन चॉइसेस को, फैशन ट्रेंड्स को गवर्न करता है। टेलीविजन जिसको हम कहते हैं, नहीं, टेलीविजन जैसे है हमारा एक बहुत मास मीडियम है, सो उसमें हमारे अदाकार स्पेशली जो फीमेल लीड्स होती हैं, तो खवातीन की अगर हम बात करें स्पेशली ईस्टर्न वेयर्स को लेके, वो बहुत ज्यादा लुक अप टू करती हैं। मैं आज भी देखती हूँ और काफी अरसे से देख रही हूँ, अब ज्यादा हो गया है, लाइक मैं एज अ टीवी क्रिटिक उस तरह से उनके कपड़ों पर इतना गौर नहीं करती जितना मैंने देखा है कि डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे खवातीन जो है इंक्वायर कर रही होती हैं कि आज इस ड्रामे में इसने जो ड्रेस पहना था वो किसका था, या वो कहाँ से मिल सकता है, या वो कौन से ब्रांड का है, बिल्कुल, या मैं इस तरह का कैसे बना सकती हूँ। सो एक तो टीवी बहुत मेजर वो रखता है, बिकॉज वो हर घर में देखा जाता है, स्पेशली खवातीन में बहुत ज्यादा मकबूलियत है हमारे ड्रामा सीरियल्स की। सेकेंडली नाउ आई थिंक विद अ फ्यू, विद इन लाइक द लास्ट फ्यू इयर्स, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर फैशन चॉइसेस। हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टाइलिस्ट्स हैं, फैशन ब्लॉगर्स हैं, इवन डिजाइनर्स हैं, सो जिसको जिस किस्म का फैशन सूट करता है वो उसको अपनी फैशन चॉइस के लिए जो है इंस्पिरेशन बना लेता है। And you know what I love about fashion these days is के कोई एक specific trend नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये मुझे suit नहीं कर रहा है and I don't want to go for this, मुझे कुछ और suit कर रहा है। इतना ज्यादा diverse हो गया है fashion trends, like you can wear long shirts, आप short shirts पहन सकते हैं, आप knee lengths पहन सकते हैं, straight pants पहन सकते हैं, flat pants पहन सकते हैं, तो जैसा fashion आपको suit करता है आपके यू नो शहर के मौसम के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके ओकेजन के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से, सो बहुत डाइवर्सिटी और वैरायटी आ गई है, तो कुछ भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगता इन मोस्ट केसेस, बिकॉज बहुत सारा मल्टीपल जो है जो कॉन्ट्रास्ट एंड पेयरिंग एंड कॉम्बिनेशन जो है वो अब इन हो गए हैं। स्पेशली नए कलर्स बहुत ज्यादा हम देखने लगे हैं, जो पहले हम समझते थे कि बहुत शोक हो जाएंगे या चीप लगेंगे, अब दे आर वेरी नॉर्मल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन आई वुड से।
अच्छा, ये कलर्स की जो बात आपने की ना बुराक, तो इस पर मुझे ना, मुझे ट्रैवलिंग के दौरान में मैंने देखा, हम कितना ज़्यादा पेरिस को फैशन कैपिटल दुनिया का कहा जाता है और वहाँ से फैशन ट्रेंड्स लंदन और पेरिस से और न्यूयॉर्क से डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आम डे टू डे लाइफ में जो खवातीन हैं उनके पास हार्डली कोई रंगीन कपड़े होते हैं, या वो हार्डली कोई रंगीन कपड़े पहनती हैं, मोस्टली वो वाइट, ऑफ वाइट और पाउडर पिंक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो मैं चूँकि कुछ ऐसे काम कर रही थी तो उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ भी कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखा पाकिस्तान में लड़कियाँ जो हैं वो कितना अच्छा फैशन करती हैं, हमारे यहाँ तो गली मोहल्ले में एवरीबडी इज़ अ डिज़ाइनर, क्योंकि लोग जो है वो रंगों से खेलना जानते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं और वो जो उनके एम्बेलिशमेंट्स और बाकी चीज़ें हैं उनके साथ चीज़ें बना लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ रंगीनी ज़्यादा है। सो आई थिंक जब आप ओकेजन्स की बात करते हैं ना, लाइक अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ओकेजन के लिए आज आई वांट टू डिसाइड कि मैंने क्या पहनना है, या कोई शादी है या कोई स्पेसिफिक मौका है, मेरा बर्थडे है और एनीथिंग दैट आई वांट टू अटेंड, उसके लिए क्या होता है कि मैं कोई कलर जैसे मुझे अगर कुछ चूज करना है तो जो आप ब्राइट कलर्स की या वाइब्रेंट फैशन चॉइसेस की बात कर रही हैं, जहां तक बात है ना ये मोनोक्रोम लुक्स की कि ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, बेज, उसका ये होता है कि अगर आप डे टू डे बात करें ना अपने रेगुलर जो आपके ऑफिस वेयर्स हैं या इवन अगर आपकी एक रेगुलर कहीं भी आपका आना जाना है, सो ये कलर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज आप इनको इस तरह के आप अगर चार छह पेयर्स अपने पास रख लेते हैं डिफरेंट टोन्स के, ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, बेज, सो आप इनको डिफरेंट तरह से एक्सेसराइज करके इवनिंग वेयर्स, डे वेयर्स, मॉर्निंग वेयर्स, आप डिफरेंट तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विद lesser clothes you can show up on more events and हर दफा वो आपको एक अलग लुक देते हैं, कभी आप स्टोल चेंज कर लें, कभी आप एक्सेसरी चेंज कर लें, कभी आप अपनी फुटवेयर चेंज कर लें, तो वो उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हम ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट के साथ एक्चुअली खेल सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स लाइक एंड यू नो इट नेवर गोज रॉन्ग, दैट्स अ सेफ बेट। सो एक्सपेरिमेंट करने से जो लोग घबराते हैं आई थिंक ये उनके लिए है कि वो ज्यादा यू नो ब्राइट कलर्स अगर नहीं पहनना पसंद करते या उनका कम्फर्ट नहीं है, सो दे कैन ऑलवेज गो फॉर द सेफेस्ट चॉइसेस व्हिच इज आई थिंक ब्लैक इज द बेस्ट। और अच्छा, कपड़ों पर तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन जाहिर है कि हम लाइफस्टाइल की बात भी करते हैं, फैशन इज नॉट ओनली अबाउट द क्लोथिंग, डेफिनेटली एक बड़ा शेयर जो है वो कपड़ों पर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल अभी इस क्रंच के टाइम पर भी आपको लगता है कि लोग जो है वो, जबकि इकोनॉमिक क्रंच है, हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे हर तरफ में लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन एक सर्टन क्लास की बात ना मैं करूं, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात करूं, तो लाइफस्टाइल में आपने क्या देखा कि अभी जो क्रंच के टाइम का फैशन है वो क्या है, लाइफस्टाइल क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्रंच जो कि बहुत ज्यादा वाजे है, क्रंच की वजह से मैंने ऐसा कोई चेंज नहीं देखा, बिकॉज मैं यही देखती हूँ कि माशाल्लाह जो लोग शौकीन हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा जैसे मैं बता रही हूँ ना कि वो ड्रामे का इंक्वायर करते हैं कि ये कैसे उसने, वो देख के मुझे एक्चुअली वो देख के होता है कि लोग कितना गौर करते हैं और कितना ज्यादा यू नो वो इंस्पायर होते हैं कि मैं भी ये लुक क्रिएट करूँ अपनी भी। उसमें ये होता है अगर आप क्लास की बात कर रही हैं कि अगर हर कोई उस तरह से हम एक सर्टन क्लास को छोड़ के ओवरऑल बात करें तो उसमें ये होता है कि रादर देन गोइंग फॉर दैट डिजाइनर आप वो रिक्रिएट करना तरजीह देते हैं कि बिकॉज आपको पता है कि यू कैन डू इट इन लेसर अमाउंट एंड ऑब्वियसली इट वॉन्ट बी द एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेशन बट आपको वो लुक क्रिएट करना है अपने लिए, तो आप यू नो किसी लोकल मार्केट से जाके एंड यू नो यू विल गेट इट स्टिच और फिर उसके साथ आप इस तरह से कुछ मैचिंग वो करके एक्सेसराइज करके कि अपने आप को आप उस लुक में देखना चाहते हैं लेकिन आप वो एग्जैक्ट ब्रांड, एग्जैक्ट ज्वेलरी, एग्जैक्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। So I think that's very creative and which is why I think Usman sahab ne kaha ki you know har gali mein aapko designers milenge because everyone loves to design clothes for themselves, designer brand kitne log designers hamare kitne log afford kar sakte hain, but fashion sense aur fashion karne ka shauk to sabko hai. बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो बहुत सारा हमारा जो ट्रेडिशनल और हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर था वो बहुत इन हो रहा है। मेरी कुछ फ्रेंड्स जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, पिछले दिनों में उनके अवार्ड सेरेमनीज की मैं देख रही थी तस्वीरें, तो और अभी एक हमारी पश्तून फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को कैरी किया इंटरनेशनल इवेंट्स पर, और बहुत बलोची ड्रेस इज़ वेरी इन दिस ईयर। आपने नोटिस किए इस तरह की चीजें भी? बिल्कुल मैंने नोटिस किया है एंड मैं वैसे भी हमेशा मेरी इस तरह की सोच रही है कि अगर हम मतलब हमने अक्सर देखा है कि जब आप फॉरेन लैंड में होते हैं तो अक्सर
आपकी आउटफिट चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, बिकॉज वो जैसा देश वैसा भेस वाला लोगों का, ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये मानना है कि आप अगर वहाँ हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप वहाँ जाके यू नो उस तरह वो करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कहीं और जा रही हूँ तो आई वुड, एंड आई जो भी मैं देखती हूँ, इट गेट, और जिन एग्जाम्पल्स की आप बात कर रही हैं, इवन मिस यूनिवर्स की जो हमने मेकिंग हेडलाइंस भी उसी वजह से था कि आपकी पाकिस्तानियत या आपका एक ईस्टर्न वो, अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक वहां उन सब में मुनफरिद आप ऐसे लगेंगे बिकॉज यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. अगर वहीं के रंग में आप रंग जाते हैं, जिसमें अगेन इट्स नॉट अबाउट योर चॉइसेस, इट्स अबाउट जो ईस्टर्न ड्रेसेस की आप बात कर रही हैं, कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वहीं पे आपको स्टैंड आउट करती है. सो आपने जो बात की अभी अपनी पश्तून फ्रेंड की, एंड अदरवाइज मैंने भी वो चीज देखी, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज आई थिंक यूनिक लगने का और होने का शौक भी हम में होता है. तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर जितना आसान हो गया चीजों को रेप्लिकेट करना, और जितना मुश्किल हो गया है कि मैंने जो पहना है वो किसी और ने ना पहना हो, आई थिंक उसमें अगर आप किसी फॉरेन सेटिंग में स्पेशली अपना नेशनल या अपना ईस्टर्न अटायर चूज करते हैं, सो दैट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स, एंड चांसेस आर के यू विल स्टैंड आउट. सो मे बी एक स्टेटमेंट, यू नो, टू मेक अ स्टेटमेंट, दिस इज अ गुड चॉइस टू गो फॉर. अच्छा बुराग, एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन है, जाहिर है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं बीइंग जर्नलिस्ट. आपने, हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, फैशन के, टीवी की स्क्रीन्स की बात कर रहे थे, रियल लाइफ में आपने डेफिनेटली ट्रैवल किया होगा पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में. कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा जगह जहाँ आपको कोई रिमोट एरिया, कोई गाँव, कोई कोई झुग्गी, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको एकदम से थोड़ी देर के लिए ना मिसमराइज कर दिया हो, और आपको लगा हो कि वाओ, लुक एट दिस प्लेस, look at this person or this outfit. बहुत ज्यादा नहीं, बट आई थिंक वट अभी आपके सवाल से वट आई कैन रिकॉल के हुंजा या उस साइड पर मैंने वो जो यू नो दिस पीस दैट दे वेयर ऑन देयर फोरहेड, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट. वो अक्सर जब मेरे फ्रेंड्स, मेरा वहां जाना नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जब मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं या पिक्चर्स में देखती हूँ, तो दिस इज वन थिंग कि अच्छा वहां जाके यू नो यू जस्ट वेयर इट एंड गेट अ पिक्चर इन दैट, वो मुझे बहुत यूनिक लगता है. जो कैलाश वाला होता है, जिसमें सीपियां होती हैं, बिल्कुल. और मैंने वहां की एक बच्ची इंटरव्यू किया था जो कि सिंगिंग उसकी वजह से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, नूरिमा उनका नाम है. सो उनकी जब मैं पिक्चर्स अपने आर्टिकल के लिए देख रही थी, तो वो भी बड़ी उनकी प्यारी पिक्चर्स थी इन दैट एक्सेसरी. सो दैट इज वन थिंग मे बी ऑन माई टू डू लिस्ट के आई विल ऑल्सो गेट अ पिक्चर इन दैट. बुराक, आई वुड सजेस्ट कि आप ना कुछ हमारे जो देहात हैं वहां पर जाके देखें. हमारी खवातीन ने अपने घरों को और अपने लिबास को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया होता है. मैं ना एक दफा थर में एक मैंने देखा, एक न्यूली वेड कपल के लिए, वो सब मिलकर वहाँ पर उसके लिए खट बना रहे थे. उसको उन्होंने अंदर से ब्लू कलर का चूना करके और शीशों के साथ उसको सजाया था. Right. और वो इतना अमेजिंग था कि आप उसको थोड़ी देर के लिए देख कर ना, मैं ढूंढूंगी अगर मुझे उसकी तस्वीरें मिलती हैं तो आई विल शेयर विद यू. और उसके अलावा मैंने कपड़े देखे जो हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरीज होती हैं और रंगों के साथ जो लोग खेल रहे होते हैं, इतना अच्छे कॉम्बोज. और बॉयज़ में भी, मैं सिर्फ खवातीन की बात नहीं करी, हमारे यहाँ मर्दों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बलूचिस्तान में ट्रैवल करते हुए मैंने वेस्टकोट देखे जो हजरात पहन रहे थे, वो बहुत खूबसूरत. और वो जो शलवार है उनकी, खास तौर पे बलोची शलवार जो लड़के पहनते हैं, इट्स वेरी हैवी, और उसको कैरी करना भी बड़ा एक आर्ट होता है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. बुराक, कभी आ जाते हैं जनाब फैशन इंडस्ट्री में कुछ काम की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, किस किस तरह के आपको लगता है कि आम हमारे नौजवान जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं रोज़गार की? फैशन इंडस्ट्री की आप बात करें तो इंडस्ट्री के हवाले से मॉडलिंग है, फोटोग्राफी है, आर्ट डायरेक्शन है. क्योंकि इवन दो अब फैशन वीक्स का रुझान थोड़ा कम हो गया है कोविड के बाद से, लेकिन सोलो शोज स्टिल हो रहे हैं डिजाइनर्स के. सो ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क. सो हर लेवल पे हर तरह के रोल्स अवेलेबल हैं जिनका जिसमें इंटरेस्ट हो. जैसे आर्ट डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ, इस तरह स्टाइलिस्ट की पोजिशंस और रोल्स होते हैं कि आप स्टाइल किस तरह करते हैं. ऑब्वियसली कपड़े जो बनाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सो डिफरेंट डिजाइनर्स का जो एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस तरह के क्रिएटिव्स ढूंढते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज आई डू फील के पाकिस्तानी फैशन और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है. और जितना हमने अपने डिजाइनर्स को जिस तरह का काम करते हुए देखा है, तो देर इज सो मच वर्क दे आर डूइंग. इंटरनेशनली भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. और ये जो अभी हम बात कर रहे थे कैलाश साइट की और ये सारी चीजों की, तो हमने ये भी देखा कि वहाँ के आर्टिसंस भी अक्सर जो है, क्योंकि वो काम बड़ा यूनिक होता है, सो इंटरनेशनली भी हमारे डिजाइनर्स लेकर गए हैं इन कामों को, बिकॉज वहाँ पे भी पसंद किया गया है.
सो ये जो लोग हैं जो ये आर्ट जानते हैं जो स्किल्स जानते हैं आई थिंक देयर इज रूम फॉर देम. ऑब्वियसली वो राइट अपॉर्चुनिटीज और मवाके के लिए आपको एक सर्टन आई वुड से यू नो एक चेन ऑफ एक चेन होगी ऑफ पीपल यू गेट थ्रू अपॉर्चुनिटीज होती हैं. ऑनलाइन हम देखते हैं बिकॉज बहुत 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 बड़ी टीम्स पीछे होती हैं एक एक आउटफिट तैयार करने के पीछे. सो उसमें आई एम श्योर के फिर मवाके भी हैं. अगर आप रिपोर्टिंग की बात करें तो हमने देखा है कि ये फैशन एंटरटेनमेंट इस तरह की चीजें हैं, ब्लॉगर्स हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके उन ये होता है कि आम आवाम देखना चाहती है इस तरह की चीजों को. सो वहां पे दे ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट. सो इवन कॉन्टेंट क्रिएशन की लाइन्स पे भी देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाउएवर अब मैं देख रही हूँ आफ्टर कोविड इट इज नॉट एज मच इट इज यूज टू बी, क्योंकि जो कोविड के दौरान लोगों ने सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए या ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखने के लिए फिर जो यू नो जो डायरेक्शन में वो लोग मूव हुए, सो सम यू नो सम ऑफ दोज थिंग्स वर्क्ड फॉर देम. अब वो दोबारा उनको मे बी नहीं जरूरत महसूस हो उस तरह से फैशन वीक्स में हिस्सा लेने की. तो फैशन वीक्स का ट्रेंड तो बहुत ही कम हो गया है अब. लेकिन डिजाइनर्स अभी भी अपने पीसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं. और हमारे जो अपने डिजाइनर्स हैं वो तो प्रेफर करते हैं कि अपने ही लोगों के साथ काम करें. सो आई थिंक वहां पर एक रूम है फॉर ऑल दीज क्रिएटिव पीपल जिनका फैशन इंडस्ट्री में या फैशन को लेकर जिनका इंटरेस्ट है और वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. और ऑब्वियसली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री वो हैंड्स इन हैंड चल रही होती है और डेफिनेटली ड्रामास फिल्म्स के लिए भी लोगों को ज़रूरत होती है. आजकल कैंपेन्स बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं बुराक, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो पूरी पूरी कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जो कि कुछ ड्रामेटाइज्ड कैंपेन्स होती हैं. बिल्कुल, आपने ये बहुत आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पहले इतना ज़्यादा हम नहीं वो करते थे कि एक एक्टर ने क्या पहना है और क्या नहीं पहना, नॉट जस्ट इन ड्रामास बट ऑल्सो इन रियल लाइफ इवेंट्स एज इन कोई भी इवेंट है लॉन्चेस वगैरह. बट अब वो उनका जो है सिर्फ अदाकार नहीं, मतलब उनका फैशन सेंस, उनकी स्टाइलिंग, उनका हेयर, उनका एवरी थिंग मैटर्स. तो वहाँ भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रूम है फॉर अपॉर्चुनिटी, स्पेशली ड्रामा सीरियल्स की जो स्टाइलिंग, मेकअप, ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग होती है. और जो बात आपने की कैंपेन्स की, सो अगेन जैसे मैंने बात की कि इन्फ्लुएंसर्स भी एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर फैशन. सो ऐसा ही है कि लॉट ऑफ पीपल जो है ना हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स और जो फैशन कैंपेन्स होती थी उसके साथ साथ अब इन्फ्लुएंसर कंटेंट बहुत बढ़ गया है. इन्फ्लुएंसर्स को साइन अप करते हैं ब्रांड्स एंड देन दोज इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट देयर ब्रांड्स बिकॉज शायद उस मॉडल के साथ वो शूट करने में जितना एक्सपेंस उनका होगा एंड देन दे वुड स्पेंड मनी ऑन प्रमोटिंग दैट कैंपेन, दे रादर स्पेंड ऑन पेइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स. जो अगर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स अपनी अपनी फीड पर उनके आउटफिट्स लगा रहे हैं, जो कि मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रही हूँ, सो जैसे मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ तो ऐसे यू नो वो ज्यादा देखा जाता है एज अपोज टू वो ब्रांड अपना फैशन कैंपेन शूट करके लगाए. दोनों चल रहा है बट अब इन्फ्लुएंसर उसका रुझान बढ़ता जा रहा है एंड आई थिंक इट वर्क्स बिकॉज हम शायद इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो हमें दिखाते हैं कि डिफरेंट ओकेजन्स पे दिन सुबह दोपहर शाम के डिफरेंट इवेंट्स पे वो किस तरह ड्रेसअप करते हैं या एक ही अटायर को किस तरह तीन तरह से स्टाइल कर सकते हैं. तो वो आई थिंक हम लोगों को मतलब आम लोगों को ज्यादा रिलेटेबल कॉन्टेंट लगता है. और वो ये भी होता है कि उनको लगता है कि वो हमारे जैसे लोग हैं, देखिए ड्रेसअप होने के बाद वो कैसे डिफरेंट है. क्योंकि एक्टर्स जो हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं वो उनको जब आप बड़ी स्क्रीन पर या सिल्वर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं या फैशन शोज में देख रहे होते हैं तो वो एक सर्टन उनका चंक ऑफ द लाइफ एक दिखा रहे होते हैं. रियल टाइम पे वो कैसे हैं ये हमें नहीं मालूम होता. तो बिल्कुल जनाब, ये अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपने वीलॉग्स बनाना चाह रहे हैं फैशन के हवाले से, तो बुराक ने ये भी बताया कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम करने वाले आप बने, बहुत सारा काम है. बुराक, जाते जाते हमें ये भी बता दीजिए क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं अगले साल में, क्योंकि नया साल बस ये अराउंड द कॉर्नर है. जी, नए ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो आई एम सीइंग के बहुत ज़्यादा प्रिंट जो है आर बैक इन फैशन. क्योंकि पिछले दिनों हम सॉलिड देख रहे थे बिल्कुल ठीक है एंड दैट्स वेरी मच देयर. जो मैं डे टू डे वेयर्स की बात कर रही हूँ दैट रियली हेल्प्स. बट बहुत ज्यादा रुझान अब जो है प्रिंट्स की तरफ है, ब्राइटर कलर्स एंड ऑल्सो प्रिंट्स में भी मैचिंग सेपरेट्स के, मतलब आप जो है शर्ट एंड पैंट्स या जो भी आप शलवार प्रेफर करते हैं वो सेम प्रिंट्स हैं एंड देन यू नो विद अ प्लेन दुपट्टा और वेदर यू वांट टू टेक अ दुपट्टा और नॉट, बट प्रिंट्स, ब्राइटर कलर्स एंड मैचिंग सेपरेट्स आई थिंक मेरी अम्मी के जमाने में ये वाला एक ट्रेंड बहुत ज्यादा इन होता था
और ये मुझे लगता है कि ट्रेंड्स वापस आ रहे होते हैं. माय मदर सेज द सेम थिंग कि ये सब हम लोग कर चुके हैं, यू नो मैंने उस वक्त ये बनाया था, ऐसा पहना था, वैसा पहना था. तो या इट इज ऑल ऑफ यू नो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि वो हर चीज जो है ना दोबारा हम देखते हैं. और बिकॉज ऑब्वियसली मतलब आप कितना ही एक चीज मतलब उसमें वेरिएशन आ जाती है बट इट कांट बी कम्प्लीटली समथिंग एल्स. वही कुछ चीजें होती हैं जिनके अराउंड आपको मूव करना होता है. प्रिंट्स हैं, सॉलिड्स हैं, फ्लोरल प्रिंट्स थे. एक टाइम पे डिजिटल प्रिंट्स बहुत ज्यादा थे जो कि अब बहुत कम नजर आते हैं, बट आई थिंक प्रिंट्स जो है ब्राइटर कलर्स में बहुत अच्छे भी लगते हैं, और क्योंकि ज्यादातर महीने गर्मी रहती है तो वो इस मौसम में भी अच्छे लगते हैं वो कलर्स. सही. तो ये जनाब प्रिंट्स जो हैं वो इन हैं. और उसके अलावा मुझे लगता है कुछ स्लीव्स, स्टेटमेंट स्लीव्स वगैरह जो हैं वो भी थोड़ी सी कुछ फैशन में वापस आती जा रही हैं, जिसपे वो बड़े बड़े पफ्स वाले किसी वक्त में स्लीव्स जो थे वो भी इन थी. सो कुछ अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह. कलर्स कुछ बताएंगी हमें प्रिंट्स में भी, मतलब ब्राइटर कलर आपने कहे, लेकिन पर्टिकुलर कोई ऐसे रंग जो कि बहुत हम इस्तेमाल करने वाले हैं खासतौर पर शादियों वादियों में, किसी ने अपनी शादी प्लान करनी है अगले बिल्कुल जनवरी फरवरी में? तो शादी में तो ऐसी रस्ट और रेड के कॉम्बिनेशन में देख रही हूँ दोबारा इमर्ज होते हुए. पिछले दिनों रेड और मरून, ऑल रेड ऑल मरून, मुझे अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल सी लगती है. या बट रेड के साथ आई थिंक रस्ट का कॉम्बिनेशन आई हैव स्टार्टेड सीइंग अगेन इन दिस वेडिंग सीजन. बाकी अगर प्रिंट्स और उसमें कलर्स की बात करें ब्राइटर, उसमें तो आई सी शेड्स ऑफ ब्लू, शेड्स ऑफ पिंक, मस्टर्ड है, शेड्स ऑफ येलो. So I think these are the colors जो एक आपको personality को, आपके mood को एकदम से you know it pops up. So उसका काफी effect होता है आपके mood पर. So I think that those should be the go-to colors जो कि हमें दिख भी रहे हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, तो I'm sure पहन के भी अच्छे लगेंगे. Thank you very much Barak. इतनी मजे की गुफ्तगू आपके साथ रही और बहुत लुत्फ आया मुझे. Thank you so much. जी जनाब, बराक से भी हमने इजाज़त ली, और जो लोग इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन किए हुए थे उनसे भी इजाज़त लेते हैं. रेडियो वाले और मैं अभी साथ साथ रहेंगे. Do I sound a little cheesy? Where's the